उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य सोमवार को मुरादाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने सर्किट हाउस पहुंचकर विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर मीडिया से वार्ता की। मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि गुजरात में पूर्ण रूप से बीजेपी की सरकार बनेगी। पूरे भारत में बीजेपी का परचम लहरा रहा है। अधिकतर सूबे में बीजेपी की सरकार प्रचंड बहुमत के साथ बनी है। इसी तरह गुजरात में भी बीजेपी की प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनेगी। विरोधी पार्टियों का सुपड़ा साफ होगा। विपक्ष द्वारा उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर उठ रहे सवालों पर मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि घटनाएं अक्सर होती रहती हैं। हमारी सरकार में अपराधों पर अंकुश लगा है, आगे भी आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई होती रहेगी। संबल में हिंदू महासभा मंच पर एक मुस्लिम लड़के को बहुत मारा गया, उसका वीडियो भी वायरल हुआ और आज पुलिस ने उस पर मुकदमा लिखकर उसे ही जेल भेज दिया गया। सर, कानून व्यवस्था पे बात कर रहे हैं। ये इस प्रकार की घटना हुई है तो उसकी जांच कर ली जाएगी, जो सही होगा वो होगा। अच्छा सर, मेरा एक और सवाल है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा जिन लोगों ने गैर तरीके से जमीनें कब्जाई हैं उन्हें अर्जित कर लिया जाएगा, उनसे ले ली जाएगी, मगर सरकार को 8 महीने हो गए अभी तक तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस पर फैसला तो अभी लिया गया जी, तो 8 महीने का औचित्य कहाँ से उठता है। ये जो भी भूमाफिया सरकारी जमीनों पर कब्जा कर रखे हैं या गरीबों की जमीनों पर अवैध कब्जा कर रखे हैं उनके अवैध कब्जे से मुक्त कराया जाए, और जो भी भूमाफिया हैं उनको चिन्हित करके उनके खिलाफ कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सर, बात करें गुजरात चुनाव की, तो गुजरात चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ये क्या करने वाली है, क्या लगता है आपको, कितनी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी आएगी? देखिए, चुनाव के पहले कयास तो दो लगाए जाते रहे हैं, लोकसभा का चुनाव रहा हो या विधानसभा का चुनाव रहा हो, कयासबाजी हमेशा चलती रही है, लेकिन परिणाम वही हुआ जो होना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण प्रचंड बहुमत की सरकार बारी बारी से देश के बाहर सभी प्रदेशों में भी बनाई है, गुजरात में भी यही इतिहास दोहराया जाएगा और वहां पर भी विरोधियों का सुपड़ा साफ होगा। सर, गुजरात में कृष्णा अय्यर ने जो है प्रधानमंत्री को नीच बताया, क्या रिएक्शन है आपका? अब प्रधानमंत्री जी तो बहुत बड़े पद पर आसीन है, समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को भी यदि कोई नीच कहता है तो संवैधानिक अपराध है। इसका मतलब है कि वो कहीं ना कहीं अपने सुप्रियॉरिटी कॉम्प्लेक्स का वो शिकार है जो अपने अलावा दूसरों को नीच कहता है, और नीच शब्द कहना ही स्वयं में भी सामाजिक अपराध है, सामाजिक अपराध है, संवैधानिक अपराध है। इसलिए जो भी इस प्रकार का कथन किया गया बहुत ही निंदनीय है, जितनी भर्सना की जाए उतना कम है। देश की जनता ने उसका संज्ञान लिया है, इसका दुष्परिणाम कांग्रेस को भोगना पड़ेगा। बात करें दलितों की तो मेरठ में अभी एक दलित लड़की के साथ दुष्कर्म किया गया है, उस पर क्या कहना सर? कानून व्यवस्था लचर होती जा रही है, कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, आपका क्या कहना है? अब आपकी परिभाषा कानून व्यवस्था की क्या है ये आप जाने, लेकिन जो भी आपराधिक घटनाएं घट रही हैं उनके सारे के सारे घटनाओं के अपराधी जेल की सलाखों में जा रहे हैं। अगर अपराधी जेल की सलाखों में जा रहा है तो इसका मतलब कानून अपना काम कर रहा है। अगर सलाखों में जा रहा है तो उसके बावजूद इतनी हिम्मत हो रही है अपराधियों की कि वो लगातार वारदातों आज से तो कभी कभी हो जाते हैं। बाप बेटे की हत्या कर देता है, बेटा बेटी की, बेटा पत्नी की हत्या कर देता है, पति पत्नी की हत्या कर देता है, बेटा माँ की हत्या कर देता है, भाई भाई की हत्या कर देता है, चचा भतीजे की हत्या कर देता है। इस प्रकार की घटनाएं जो अप्रत्याशित है, नहीं होनी चाहिए, हो जाती हैं, लेकिन कानून का काम है अपराधियों को सजा दिलाना और कानून अपराधियों को सजा दिला रही है। पब्लिक टीवी, आपकी आवाज़।